you. I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the tension. ओके सो हिम्मत के दोस्त का है बर्थडे, तो हम लोग आ गए फिर से इंडिगो एंड उसकी फेवरेट किताब लूँगी मैं एंड यहाँ से मैं कुछ और अच्छा उसके लिए गिफ्ट ढूँढ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है बुक्स अच्छा गिफ्ट है जो वो कीप करेगा. वैसे भी उसे ये वाली बुक्स को कलेक्ट करने का शौक है. सो लेट मी चेक और क्या ढूँढ सकते हैं उसके लिए. सो आई गॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल ड्राॅइंग करने के लिए नोटबुक है. इसमें सारे पेजेस क्लीन हैं पर ड्राइंग करने वाली पेंसिल्स भी हैं, स्पेशली पंच इरेजर एंड दिस प्यारा सा वुड वाला शार्पनर. तो मुझे लगता है ये बुक के साथ गुड कम्बिनेशन है बिकॉज वो आर्ट क्लास में भी जाता है तो इसे वो यूज़ कर पाएगा. एंड हस्बैंड स्टिल एक्सप्लोरिंग, आई थिंक ही नीड्स सम बुक. ओके सो मुझे लगता है कि मुझे मेरा तोहफा मिल गया है. हस्बैंड को लेके आना मुझे बहुत अच्छा लगता है ताकि हम दोनों कुछ क्वालिटी समय स्पेंड करें. पर वो अन्य स्लोथ होता है ना जो एनिमल, तो बड़ा स्लोथ होता है ना. कौन तू ही? क्यों आऊं तोर दे तोर को कि सुनो सुनो से कर दे. तेरे लिए मैं फ्लॉट हूँ यार. तू इधर तोड़ दे बाबू इधर. मैंने मैं बगी रहा. पहले तो मैंने गंदी थी तू बगी. जे तो ये पांच छह स्टेप अग्गे आए हो वो. तो फिर मैं तो उन्हें कहा कि सुनने होते कर दे. How you feeling about it? मैं बस तैनू ना काइंड ऑफ इग्नोर इन्हू कहते हैं कि किसी तो पिछा छुड़ा. प्यारी मेरे तो नहीं पिछा छुड़ाना चाहनी. तू बड़ा ही प्यार कर दिया प्यारी. तेरे तो डिस्टेंस रखा जाए उन्ना ही फायदे होता. प्यारी तेरा दिल कुछ होर कहना तेरी अखा कुछ होर. जे तू इन्ना दिल ते अखा पढ़दी है तो डॉक्टरी बन जा. हस्पताल लग जा ते साइकी साइकी बनना. मैं साइकी साइकी का मैं डॉक्टर नहीं हाँ. अखा पढ़दी हाँ. एक्सरे नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं. इंट्यूटिव माइंड. ਉਨਾਗੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ. ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ. ਬਹੁ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਲੋਤ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾਏਗਾ. ओके हेलो दोस्तों, दिस इज़ फ्यूचर मी. यहाँ पे मैं आपसे बातचीत करने के लिए आई हूँ बहुत ही प्यारे एक मुद्दे पे जिसके बारे में मुझे इंस्टाग्राम से इंस्पिरेशन मिली है. बहुत सारे दोस्तों के मैसेज ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो अपने आप को पसंद नहीं करते. बहुत सारी गर्ल्स ये बोलती हैं कि मैं तो यही डिज़र्व करती हूँ, दिस इज़ ऑल मी. लाइक ऐसे मुझे लगता है कि वो अपने आप को पसंद नहीं करती हैं, काइंड ऑफ नफरत ही करती हैं अपने आप को. उन्हें सारी गलतियाँ अपने आप में ही दिखती हैं एंड उनके उनको लगता है कि जो भी उनके साथ हो रहा है उसकी सारी वजह वो ही है. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने आप को हेट करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे. क्या आप अपने आप को नापसंद करते हैं? अगर आप वन ऑफ दोज हैं कमेंट बार में ज़रूर से बताना. आज आपको फिक्स करते हैं. सो ये वीडियो का पार्ट उन सारे दोस्तों के लिए है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो खुद को डिफरेंट तरीके से देखें एंड लोग भी उनको अलग तरीके से देखें. तो आप बिल्कुल राइट स्पॉट पे हैं. ऐसी सिचुएशन मोस्टली ज़िंदगी में तब आती है जब आपकी लाइफ काइंड ऑफ टूट जाती है या कुछ बहुत ही ज़्यादा तगड़ी ट्रांजिशन आती है लाइफ में. जैसे आपका ब्रेकअप हो गया है, आपकी शादी थोड़ी ख़राब चल रही है या आपकी जॉब चली गई है या जॉब चेंज होने वाली है या शहर चेंज करने वाले हो. जब ट्रांजिशन चलती है तो ऐसा बंदा ब्रोकन फील करता है कि यार ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, जो भी मेरी ज़िंदगी में गलत है. सो आज हम कोशिश
करेंगे हम अपने आप को बदलने की. सो अगर आप बदलना चाहते हैं अपने आप को, तो वो एक्शन सिर्फ आप ही ले सकते हैं. आपके इनसाइड को पता है कि आपको क्या चाहिए अपनी जिंदगी में. आपके लिए आपको कोई और बदल नहीं सकता है. जब तक कोई हमें बातें सिखाता है, जब जो भी आप मैं बोल रही हूँ, आप ये तभी अपने कानों के अंदर तक लेके जाएंगे अगर आप इसको लेके जाना चाहते हैं. अदरवाइज आप इसको ऐसे ही फ्लो कर जाएगी, बातें निकल जाएंगी. सो अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी और आप एक्शन लेना चाहेंगे. अगर नहीं चाहते हैं तो आप बंद रखेंगे अपने आप को. सो कहने की बात ये है कि आपको ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. आप ही एक इकलौता इंसान है जो एक्शन ले सकते हैं. आपके लिए कोई और एक्शन नहीं लेगा. अब एक असाइनमेंट है आपके लिए कि आपको इमेजिन करना है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं. आप अपने आप को आइडियली कैसे देखते होंगे. क्या चीज़ आपको अपने आप में अच्छी नहीं लगती है. आपके बाल अच्छे नहीं लगते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं लगती है, या जैसे आप बात करते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, या जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा नहीं लगता है. इमेजिन करें अपने आप का आइडियल सेल्फ कि मेरे बाल कैसे होंगे, मैं मेकअप कैसे करूँगी, मैं ड्रेस कैसे पहनूंगी, मैं बात कैसे करूँगी, मेरे दोस्त कैसे होंगे, मैं कौन से घर में रहना चाहती हूँ, मैं कैसी गाड़ी चलाना चाहती हूँ. ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करें अपने आइडियल सेल्फ के बारे में. एंड अगर आपको इंस्पिरेशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपका बेस्ट सेल्फ कैसा दिखेगा, तो आप किसी को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं कि ओ मैं चाहती हूँ कि मैं इसके जैसा दिखूँ, या आपके जैसा कोई सिमिलर आपको सेलिब्रिटी या कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी दिखती है कि ओ मैं थोड़ा इसके जैसा हूँ और आप वैसे बनना चाहते हैं, तो आप अपने आप को उस तरह से इमेजिन कर सकते हैं अगर आपकी इमेजिनेशन थोड़ी कमज़ोर है. सो अब क्या करेंगे, अब हमने इमेजिन कर लिया कि हमें ये वाला बंदा बनना है, तो अब हम वैसा बंदा बनने की एक्टिंग करेंगे. एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि लेटर आप उसको एज अ पर्सनैलिटी बना पाएं. पर ये सब आप एज अ वाउंडेड ह्यूमन नहीं कर सकते हैं. आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा. अब आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्लटर है, जो भी गंद है, या जो भी किसी के बारे में फीलिंग्स है, उस सबको निकाल के हमें जलाना है एंड देन एक नई पर्सनैलिटी को जन्म देना है. ये सब कुछ एक ही बार में नहीं होगा, इसे समय लगेगा. बट आपको ऐसा माइंड सेट कर लेना है कि येस अब आपको चेंज चाहिए और आप उसके लिए काम करेंगे. सो येस यू गोना बी दैट पर्सन. अब आपको गोल पता है एंड अब आपको लेना है एक्शन कि उस आइडियल सेल्फ के लिए मैं कौन कौन से एक्शन लूंगी. मैं कैसा खाऊंगी जिससे मैं उस तरह का दिखूं, मैं कैसे ड्रेस होंगी, कैसा मेरा फैशन होगा. कि मैं वैसे तो इस टॉपिक पे बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एकदम से मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकती. स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बहुत बातें करेंगे, पर मैं जितनी चीज़ें क्विकली बता सकती हूँ वो बताएंगे. सो डिक्लटर करना पड़ेगा दिमाग का, चीज़ों का, और जो चीज़ें भी आपको बांध के रख रही है उन सबको डिक्लटर करना पड़ेगा. ये प्रोसेस में मुझे लगता है कि आपको मेडिटेशन हेल्प करेगी, क्योंकि जब आपका माइंड अच्छा होगा, फ्रेश होगा, नई चीज़ के लिए तैयार होगा, तभी आप रियल चेंज ला सकते हैं. कहने के लिए आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, पर असली चेंज तब आएगा जब आपका दिमाग सही जगह पे अलाइंड होगा. सो जैसे स्नेक अपनी सारी डेड स्किन को उतार के नया नकोर मज़ेदार बन जाता है, उसी तरह आपको अपनी डेड स्किन, मतलब कि पुरानी जुड़ी हुई चीज़ें, पुरानी आदतें, पुरानी यादें, उन सबको श्रेड करना पड़ेगा. ये आप नॉर्मल बंदा इतनी आसानी से नहीं कर सकता है, पर अध्यात्म में जाने वाला बंदा, स्पिरिचुअल बंदा, मेडिटेशन करने वाला बंदा, मेडिटेटिव स्टेट में रहने वाला, उसके लिए थोड़ा आसान होगा. सो किसी भी तरह का अध्यात्म ज़रूर से फॉलो करें. अगर आप किसी चीज़ में यकीन नहीं करते हैं तो सिर्फ मेडिटेट करें. 5-10 मिनट शांत कोने में बैठ के अपने घर के अपने साथ समय स्पेंड करें एंड उस समय कोशिश करें कि आप बोले नहीं, मौन रखें. बेशक वो 10-15 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, एंड अगर चाहते हैं तो आँखों पे पट्टी भी बांध सकते हैं. जो आप स्लीपिंग मास्क लगा के सोते हैं वही लगा लें. मैं जब ध्यान करती हूँ मैं अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेती हूँ, कानों को बंद कर लेती हूँ एयरप्लग से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आउटसाइड से मेरा कोई भी कनेक्शन रहे. मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा यूनिवर्स के साथ जुड़ूं और किसी भी तरह की गलती ना हो मुझसे, कोई बाहर की आवाज़ ना मुझे आए, कुछ मुझे आँखों से दिखे नहीं, बिल्कुल डार्कनेस होनी चाहिए. ओके, ये जो मेरा स्टूडियो रूम है इसी में बैठ के मैं ध्यान करती हूँ, और वैसे जिन जिन पे भी स्पॉट्स पे मैं ध्यान करती हूँ वहाँ पे मैंने ये चीज़ें रख के रखी हैं. एक मैं आपको दिखाती हूँ, एक तो ये ईयरप्लग्स हैं, अभी मुझे बोल रही थी तो याद आया, ईयरप्लग्स हैं कान बंद करने के लिए. ये आई मास्क है जो सोने के लिए लगाते हैं, ये मेरी आँखों को बंद करने के लिए. मुँह तो मैं बंद रखती ही हूँ. सो
ये करें, आप आंखें बंद करें, कान बंद करें एंड शांत रूम में बैठे 10-15 मिनट अपने साथ स्पेंड करें। हो सकता है 30-40 दिन करने के बाद आपके अंदर से कोई नई शक्ति बोलेगी एंड आपको हेल्प होगा पुरानी सारी हैवी चीज़ों को श्रेड करके स्नेक की तरह मज़ेदार चमड़ी लेके नया इंसान बनने के लिए। और अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ। जब कोई बंदा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता है कि मैं कौन हूँ, वो बंदा राइट ट्रैक पे है। ये मैं लिख के दे सकती हूँ कि तब वो बंदा जाग चुका है एंड मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ऑनेस्ट रहे, अवे हवा में तीर मत मारें, बहुत ही ज़्यादा उड़ती चीज़ें मत करें, ऑनेस्ट रहे। अगर आप बहुत कुछ बड़ा भी करना चाहते हैं, वो भी आपके दिल की इच्छा है, डिज़ायर है, वो भी सही है, डोंट वरी, पर ऑनेस्ट रहें। जैसे मैंने बताया कि एक रोल मॉडल ढूंढ लें या मेंटर ढूंढ लें एंड उनके जैसा बनने के लिए उनके जैसे एक्शन लेने पड़ेंगे, बट आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि ओ मुझे ये चाहिए, मेरी ज़िंदगी का गोल ये है, और आपको पता है कि अब आपको क्या करना है उस गोल तक पहुंचने के लिए। और नया इंसान बनने के लिए जो भी आपकी कोर वैल्यूज़ हैं, जैसे आप बहुत ऑनेस्ट हैं, जैसे आप बहुत ग्रेटफुल रहते हैं, वो आपको पता होंगी कि आपकी कोर वैल्यूज़ कौन सी हैं। जो कुछ भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं वो बनने के लिए या नए सेल्फ के लिए अपनी कोर वैल्यूज़ को कभी मत भूलें। जैसे कहते हैं अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। मुझे झूठ बोलना बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, डर लगता है एंड बहुत बार सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है मुझे पता होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो उस झूठ को पकाता है। वैसे मेरे हस्बैंड ऐसे कोई बात नहीं है, बट कोई छोटी सी चीज़ लिए अगर मेरे हस्बैंड कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मान जाओ, पकाओ मत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्स है। सो आउट देयर जो कोई दोस्त ये देख रहे हैं, अगर आपको झूठ को पकाने की आदत है, मत करें ऐसे, प्लीज़, दिस इज़ नॉट नाइस। सो जो भी आपकी कोर वैल्यूज़ हैं उसको नहीं चेंज करेंगे हम, अनलेस वो बुरी हों तो उनको अच्छा बनाएंगे एंड उनके साथ स्टिक करें। और आपके लिए ज़रूरी क्या है, आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको याद करें? जब आपको लोग याद करें, क्या वो करें क्या बेकार बंदा था, या जब आपको याद करें उनके चेहरे पर हंसी आ जाए, खुशी आ जाए, या आंखों में आंसू आ जाए कि ओह माय गॉड कितनी काइंड सोल थी वो। सो आपको पता है कि आप चाहते क्या हैं, कि कैसे आपको लोग याद रखें। और आप अगर किसी नई जगह पे पहुंचना चाहते हैं या नया इंसान बनना चाहते हैं, उसके लिए आप सेक्रीफाइस करने के लिए क्या तैयार हैं? क्योंकि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं या अगर आप न्यू यू बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। प्रिटेंड करें कि आप बहुत अनहेल्दी हैं और मोटे हैं, और आपका आइडियल सेल्फ बहुत स्लिम है, बहुत फिट है, बहुत अच्छा खाता है। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस है कि आपको अपने स्वादिष्ट खाने छोड़ने पड़ेंगे, आपको आपको डिसिप्लिन के साथ जिम जाना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा या जल्दी उठना पड़ेगा, सेक्रीफाइस है ये। इसी तरह आपके आइडियल सेल्फ बनने के लिए आप क्या क्या करने के लिए तैयार हैं? सेक्रीफाइस करेंगे तो कुछ मिलेगा, बिना कुछ दिए आप सिर्फ ले नहीं सकते हैं, आपको देना भी पड़ेगा। यूनिवर्स की सच्चाई है ये, अगर कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। सो अब आपका आइडियल सेल्फ क्या है, उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे? फिट होना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके लिए एक्शन लें और आप ज़रूर अपने आइडियल गोल तक पहुँचेंगे। इस पर एलैबोरेट करके मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो आपको अपने में कमी लगती है या आप अपने नफरत करते हैं वो खत्म हो जाए और आप अपना आइडियल सेल्फ बनने के लिए तैयारी करें एंड वहां पे पहुंच जाए। क्योंकि ये जिंदगी मान लो कि आपको एक ही बार मिली है एंड बहुत तेजी से जा रही है और हम इसको लूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हाथ खिंचो रेता बह जान दिया, उवें ज़िंदगी चली जा रही है और निकल जाएगी। और जितनी जल्दी आप जाग जाओ और अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में ले लो कि मुझे मेरी ज़िंदगी से ये चाहिए और मैं ये करूँगा, तो आप करेंगे। अदरवाइज़ ज़िंदगी एक रोबोट की तरह निकलती जाएगी एंड टू लेट हो जाएगा एंड फिर आप पछताएंगे कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। सो प्लीज़ लें, और आप ही आपके असली साथी हैं, इसको मत भूलें। अपने आप से नफरत मत करें, आपको अपने आप से प्यार ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही अपने साथ एंड तक रहेंगे। एंड जैसा आप अपने आप को ट्रीट करते हैं और जितने आत्मसम्मान के साथ आप रहते हैं, वैसा ही आपको लोग देना शुरू कर देते हैं। जितना आप बिलो एवरेज, जितना आप डर के रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा लोगों की जी हजूरी करेंगे, उतना ही आपको लोग ज़्यादा डराएंगे। सो जैसा आप अपनी
पर्सनैलिटी को बना लें, लोग उसी तरह आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो यस दोस्तों, आज के इस प्यारे से टॉपिक के साथ इतना ही। आप मुझे बताना कि ये आपको कैसा लगा एंड इस पर हम स्पेशल बातचीत वाली वीडियो ज़रूर से बनाएंगे जल्दी ही। ओके सो डिनर के लिए हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैंने नहीं पकनी है, बट फिर भी मेरा प्लान है ब्लैक चने बनाने का और उसके साथ राइस बनाएंगे। एंड आज जो हमारा प्लान था कि हम क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करेंगे, पर हम नहीं कर पाए हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। और मैं चाहती हूँ कि क्रिसमस ट्री को हम डेकोरेट करें दिन में, एक इवेंटफुल दिन हो हमारा, रात में आना काली काली पई है सानू, वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा समय है और हिम्मत के स्कूल में फॉल ब्रेक भी है एंड आराम से करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली कल संडे है एंड जब हिम्मत बर्थडे पार्टी से वापस आएगा तो हम क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने वाले हैं। पर इससे हिम्मत बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, सो इसके लिए हिम्मत के लिए हम बनाने वाले हैं हनी एंड जिंजर का एक सिरप उसे खुश करने के लिए। हिम्मत तनू पहला एक बार दे रही है शायद वाला। ओके सो जल्दी से हम तड़के की तैयारी करते हैं। इसमें मैं सारा कुछ ऐड करूँगी, जिंजर गार्लिक हरी मिर्ची प्याज एंड ऑल्सो टमाटर। पर इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं चने को बॉइलिंग करती हूँ, सारा तड़का लगाने के बाद चने को मसाले के साथ ही कुक करते हैं तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। मतलब अगर बॉयल करके अलग से एंड तड़का अलग से करता है तो थोड़ा थोड़ा अलग रह जाता कम। सो यस give you a topic. So इसके करी में ना गार्लिक एंड जिंजर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में अच्छा लगता है। वैसे आजकल मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ में हम गार्लिक एंड अनियन स्किप कर सकते हैं तो करें, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं खाएंगे, खा लेते हैं, पर कोशिश है कि ज़्यादातर स्किप करें। पर रॉ अनियन के लाइक है मेरा कि मोस्टली मैं नहीं खाती हूँ, वंस इन अ वाइल खा लिया, अदरवाइज़ ऐसे होता था कि मैं हर मील के साथ रॉ अनियन ज़रूर से खाती थी, पर हो लाइक ना के बराबर, वंस इन अ मंथ और समथिंग। जैसे अगर मैं बाहर से कुछ सैंडविच वैंडविच खाऊँगी तो उसमें अनियन होगा तो वो खा लेती हूँ मैं, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि नो अनियन हो। ओके सो हिम्मत को मैंने काम दिया था कुछ राइटिंग करने का कैंपिंग डे के बारे में और उसने लिख लिया है, सुनते हैं उससे उसने क्या लिखा है। ओके आई डोंट वांट टू रीड इट टू देम। टुडे वी वेंट फॉर कैंपिंग, मी
my mom and my dad went camping at Fundy Camp. Which camp? Fundy Camp. I made it up. Aww. Oh, can you add a bit spicy, like we ate something? We. That's what I put. My daddy helped setting up the camp. That's what I put. My daddy helped to set up the fireplace. That's what I put. That's what I put. Fun. Snack. When we met, then you gotta get. Phone.